आप देख रहे हैं पब्लिक न्यूज सच का पहरेदार। फतेहपुर जिले में एक दिल दहलाने वाली घटना सामने आई है, जहां 3 वर्षीय मासूम बच्ची के साथ पड़ोसी युवक ने चॉकलेट देने के बहाने घर ले जाकर बच्ची के साथ दुष्कर्म किया। बाद में उसकी हत्या कर आरोपी ने बच्ची का शव कपड़े में लपेट कर छिपा दिया। मामला उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले अंतर्गत खागा थाना क्षेत्र के एक गांव का है, जहां घर के सभी लोग मूर्ति विसर्जन में नौबस्ता घाट गए थे और बच्ची घर पर अकेली थी। तभी पड़ोसी युवक दिनेश पासवान बच्ची को चॉकलेट देने के बहाने अपने कमरे में ले गया और उसके साथ रेप की घटना को अंजाम दिया। इस दौरान बच्ची की मौत हो गई, जिसके बाद आरोपी बच्ची का खून से लथपथ शव कपड़े में छिपा कर घूमता रहा। परिजनों के घर वापस आने पर जब बच्ची नहीं मिली, तब सभी ने खोजबीन शुरू की और पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने पड़ोसी युवक से पूछताछ की तो गोलमाल जवाब पर उसके घर की तलाशी ली, जहां खून से लथपथ शव को कपड़े में लपेट कर छिपा कर रखा था। ग्रामीणों ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर सख्त कार्यवाही करने की मांग की है। अपर पुलिस अधीक्षक राजेश कुमार ने बताया कि मासूम बच्ची के साथ जघन्य अपराध करने के लिए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। जनपद फतेहपुर के खागा थाना क्षेत्र में गांव में एक और बच्ची की हत्या कर दी गई है। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। फील्ड यूनिट को मौके पर भेज करके दर्ज इकट्ठा कर लिया गया है। पंचायतनामा भर के पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराई जा रही है और पुलिस द्वारा भी संपर्क निष्पक्ष कार्रवाई की जा रही है। फतेहपुर से देवेंद्र पटेल की रिपोर्ट। आस्था है, भक्ति है, सभ्यता है, संस्कृति है, जो भावनाओं से ओतप्रोत है, आत्मज्ञान का स्रोत है, गुणसूत्र है, निरंकार है।